लोग बोलते हैं कि नवाबों का शहर, ये हम टोटली फ्रस्ट्रेट हो रखे थे क्योंकि अपना जो टिकट था वो कैंसिल हो रखा था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइस। तो आज का जो व्लॉग है हम शूट कर रहे हैं डायरेक्ट गुवाहाटी में, और गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, चेक दिस आउट। एंड अभी हमारे साथ फारूक भाई हैं एंड छोटे नवाब वसीम अख्तर। तो हम दोनों, वालेकुम अस्सलाम, हजरत उल मुकाम, रज़ाकुल हराम, ओ ये गलत बोल दिया ना, जन्नत उल मुकाम, रज़ाकुल हराम। तो हम क्या कह रहे थे, तो अभी क्या है कि अपने को है ना, मेरा एक्सपल्स के लिए मेरे को टेल टाइट लेना था, तो टेल लाइट लेना था, तो वो एक्चुअली मिल नहीं था शिलोंग में, मैंने बहुत ढूंढा। तो गुवाहाटी आ चुके हैं, गुवाहाटी में अपन ढूंढेंगे, अपन जाएंगे ईटी रोड में थोड़ा मिलने का चांसेस है, क्योंकि पहले भी हमने वहीं से लिया था। तो अगर सेम वाली मिलेगी तो अपन सेम वाली लेंगे, अगर अदरवाइज सेम नहीं मिलेगी तो अपन देखेंगे दूसरी कोई मॉडिफाइड, अगर मिल गई तो दूसरी वाली लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जाएंगे लोगों का नानी का घर जाएंगे, बिगली पकड़ी जाएंगे, वहाँ से जाके अपन स्कूटी लेंगे, स्कूटी लेने के बाद अपन ईटी रोड जाएंगे, वहाँ जाके अपन देखते हैं कि कौन सी वाली टेल लाइट मिलेगी अपने को, अपने एक्सपल्स के लिए कौन सी वाली बेटर होगी, वो वाली लेंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधे स्कूटी में। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं ईटी रोड, ये चेक करो, यहाँ है ना गाड़ी की पार्ट्स पूरी मिलनी है, तो यहीं अपनी बाइक स्कूटी को आई मीन पार्किंग करेंगे एंड देखते हैं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। तो लेट्स चेक आउट। तो भाई सब अपने है ना, भाई पूरा 80 रोड छान मारा बट टेल लाइट कहीं मिला नहीं। तो एक जगह मिला बट उसमें क्या है कि अपने को पुराना वाला टेल लाइट लेके आना पड़ेगा, तब जाके वो लोग उसको मॉडिफाई करके देंगे, उसमें नया LED डाल के देंगे। तो फिलहाल तो मिला नहीं यहाँ पे, पूरा मैंने चेक कर लिया, यहाँ कहीं भी मिला नहीं। तो यहाँ से वापस निकलते जाएंगे, उसी चक्कर में क्या है कि अपने खाना वाना पैक कर लिया, क्योंकि अभी अपना ट्रेन का टाइम भी हो गया है एंड हमें जाना है नवाबों के शहर में लखनऊ। तो गाइज अगला फुटेज है ना रेलवे स्टेशन कमख्या पे होने वाला था बट हो नहीं पाया, ये रीज़न ये है कि हम टोटली फ्रस्ट्रेट हो रखे थे क्योंकि अपना जो टिकट था वो कैंसिल हो रखा था। आपको दिखाते हैं, ये चेक करना, ये चेक करो, दो अभी क्लियर हो जा, हाँ 2 तारीख को हमने टिकट करा बट 2 तारीख को करने के बावजूद है ना टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मतलब 20 दिन के अंदर अंदर भी राजधानी की टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी भी टिकट कंफर्म नहीं है तो ट्रैवल मत ही करो, तो ठीक है, क्योंकि हमने जो करा भाई टोटली फ्रस्ट्रेट हो रखे थे, मतलब 12 घंटा खड़े होकर, आप समझ रहे हो, मतलब हालत ख़राब हो रखा था। तब एटलास्ट हुआ ही है कि हम जब कटिहार पहुंचे, कटिहार पहुंचने के बाद हमने ऑनलाइन चेक करा, ऑनलाइन चेक करने में तो कटिहार से लखनऊ तक का एक ट्रेन दिखा रहा था वो टोटली एम्प्टी एंड भाई तब चेक करो, यहाँ हम बैठे 4 लोग एंड पूरा का पूरी डब्बा खाली है, मतलब अब है ना एकदम फ्रीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ये भी टोटली फ्रस्ट्रेट हो रखा था, रात भर खड़ा हो रखे, मतलब इसका भी आउट हो गया था ये पूरा का पूरा, समझ रहे हो, मतलब हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था ना भाई। तो सुबह होने के साथ साथ हम दोनों भाई सोए, सोने के बाद डायरेक्ट ही दिन को उठे, हालांकि हमने रोज़ा रखा था बट सोना तो नहीं चाहिए, बट क्या करें मजबूरी थी, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी कि विदाउट सोए हो नहीं पाता। तो हम लोग थोड़ी देर पहले उठे, बस अभी इफ्तार वगैरह करे एंड हमने ये चक्रो मस्त अभी ये बैठ के खा रहे हैं हम लोग पंजाबी तड़का एंड समोसे वगैरह भी मंगा रखे थे हमने, तो समोसे वगैरह तो खा लिया हमने, तो इफ्तार वगैरह भी हो गया एंड अभी यहाँ से अपना जो स्टॉपेज होएगा वो आपका लखनऊ में होएगा, ये करीब करीब 2-2.5 बजे के करीब में पहुँच जानी है, तो वहीं पर जाके आपसे सीधे मिलते हैं। चेक दिस आउट गाइस, हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, जिसे तहजीबों का शहर कहा जाता है एंड तहजीब बोले तो और एक चीज़ भी है जो कि लोग बोलते हैं कि नवाबों का शहर, तो तहजीब वाली शहर है या नवाबों वाला शहर है ये तो कल सुबह देखेंगे, फिलहाल तो बहुत लेट हो चुका है और बहुत तगड़ी भूख लगी है, तो सबसे पहले जाएंगे कुछ खाना खाते हैं एंड ये रहा रेलवे स्टेशन, हम उतर चुके हैं, जाते हैं कहीं रूम वूम में चेक इन करेंगे, चेक इन करने के बाद खाना वाना खाएंगे और उसके बाद सीधे मिलते हैं सुबह। तो चलो पहले तो खाने पीने का जगह ढूंढते हैं भैया। तो थोड़ी दूर चलता है ना, हमें दुकान नज़र आ गया, ये भाईजान का चेक करो, ये भाईजान का दुकान नज़र आ गया। तो हमने यहाँ के है ना बिरयानी ऑर्डर कर लिया, क्योंकि बहुत तगड़ा भूख लगा है मुझे, इतना भूख लगा है कि आप मुझे
दिन का खाना तो हजम ही नहीं होता, तो इसीलिए हमने ये मंगा लिया। ये खा के फटाफट जाएंगे, पहले रूम चेक इन करेंगे। रूम में चेक इन किया नहीं है, पहले तो खा लेते हैं, उसके बाद रूम चेक इन को जाएंगे, तो पहले खा लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है चेक इन और ये रहा हमारा रूम। चेक दिस आउट, मस्त एक टीवी भी दिया गया है एंड बेड भी है, एसी भी है, सब कुछ है। रूम का रेंट पड़ा हमें 1100 रुपये, 100 रुपये मतलब वो लौंडे को चाय पानी के लिए दे दिया हमने, 1000 रुपये ये रूम का रेंट लगा है प्रॉपर। सो गाइस, हम हो लेते हैं थोड़ा फ्रेशन अप एंड बस थोड़ा नींद भी मारना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थके हुए हैं एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा है भैया। यहाँ पे शिलोंग का जैसा वेदर है नहीं, शिलोंग में तो मतलब ऐसा लगा, अभी जब आ रहे थे तो ऐसा लगा भैया वहाँ दिसंबर आ जाए, मतलब अचानक से इतना ठंड हो गया। यहाँ भैया इतना गर्म है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल का क्या देखेंगे, कल का क्या प्लान है क्या नहीं, वो कल का कल सोचेंगे। फिलहाल तो अभी सोना है, तो आप लोग से भी हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन, लास्ट इज़ बाय।